स्वागत है आपका अनऑफिशियल कार्यालय की आज की नई वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊं कि आप कैसे एक्सेल के डेटा की मदद से बल्क में आईडी कार्ड क्रिएट कर सकते हैं एमएस वर्ड में, वो भी कुछ ही सिंपल स्टेप्स फॉलो करके। उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मेरे पास यहाँ पर कुछ एम्प्लॉयज का डेटा है एक्सेल में। जो पहला कॉलम है वो है एम्प्लॉय की आईडी, फिर एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय की ज्वाइनिंग डेट, और लास्ट कॉलम में हमें एम्प्लॉय का इमेज ऐड करना है। जैसा कि आप जानते हैं, अगर हम इमेज डायरेक्टली ऐड करेंगे एक्सेल में तो वो इमेज एज अ ऑब्जेक्ट अटैच हो जाएगी यहाँ पर, और वर्ड उसे कॉल नहीं कर पाएगा, तो वो आईडी में इमेज फिक्स नहीं हो पाएगा। तो इस रेस्ट्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए हम यहाँ पर इमेज की हाइपरलिंक बनाएंगे। तो उसके लिए हम पहले इंसर्ट टैब पर चले जाएंगे, यहाँ पर लिंक पर क्लिक करेंगे और इंसर्ट लिंक पर क्लिक करेंगे। इंसर्ट लिंक पर क्लिक करने के बाद हम अपने इमेज की लोकेशन पर चले जाएंगे और उस इमेज को सिलेक्ट करके ओके प्रेस कर देंगे, तो यहाँ पर एक लिंक बन जाएगी। तो इसी तरह से हम सभी एम्प्लॉयज के लिए इमेज ऐड कर लेंगे एक एक करके। तो एक बार हमने इमेज ऐड कर ली, उसके बाद हमें जो स्लैशेज हैं हर एक लिंक में, उसे हमें डबल स्लैश करना पड़ेगा, डबल फॉरवर्ड स्लैश करना पड़ेगा, ताकि वो इजीली कॉल हो जाए वर्ड में। तो उसके लिए हम पहले कंट्रोल एच प्रेस करेंगे, रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हम पहले फॉरवर्ड स्लैश डालेंगे फाइंड वॉट में, फाइंड रिप्लेस विथ में दो बार हम डबल स्लैश डाल देंगे और रिप्लेस ऑल पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे के सारे जो हमारे स्लैशेस थे वो डबल स्लैश से रिप्लेस हो चुके हैं। तो इतना करने के बाद हम नेक्स्ट मूव करेंगे अपनी वर्ड फाइल की तरफ। वहां पर हम फॉर्मेट बनाएंगे अपने आईडी कार्ड का, हम इस डेटा को वहां पर इम्पोर्ट करके बल्क में आईडी कार्ड्स क्रिएट करेंगे। वर्ड में एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करने के बाद सबसे पहले हम अपने डॉक्यूमेंट के मार्जिन को सेट कर लेंगे। पहले हम लेआउट पर जाएंगे उसके लिए, उसके बाद मार्जिन के ऊपर क्लिक करेंगे, सबसे लास्ट वाले ऑप्शन पर चले जाएंगे कस्टम मार्जिन के ऊपर, और यहाँ पर जितने भी ऑप्शन हमें दिख रहे हैं टॉप बॉटम लेफ्ट राइट सभी को हम 3 सेंटीमीटर कर लेंगे। सभी फील्ड्स को 3 सेंटीमीटर करने के बाद हम ओके पर प्रेस करेंगे। मार्जिन को सेट करने के बाद हमें एक लेआउट बनाना होगा जिसके अंदर हम आईडी कार्ड को एंटर करेंगे। तो उसके लिए पहले हम इंसर्ट टैब पर चले जाएंगे और टेबल को ऐड कर लेंगे। तो मेरे डेटा सेट में मेरे पास 9 एम्प्लॉयज का डेटा है, तो इसलिए मैं 3x3 का एक टेबल डाल लूंगा, ताकि उसमें 9 सेक्शन बन जाए जिसमें हम 9 आईडी कार्ड बना सकेंगे। 3x3 का टेबल सिलेक्ट करने के बाद उसके बाद यहाँ पे 4-साइडेड एरो है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और लेआउट में चले जाएंगे टेबल के। टेबल के लेआउट में जाने के बाद हम इसकी हाइट को 3 इंचेस कर देंगे और विड्थ को 2.4 इंचेस कर देंगे। उसके बाद हम टेबल को अपने पेज पे अच्छे से सेट कर लेंगे प्रॉपर वे में। टेबल को पेज पर सेट करने के बाद हम जाएंगे इंसर्ट पर, यहाँ पर हम लेआउट स्टार्ट करेंगे डिजाइन करना अपने आईडी कार्ड का। तो उसके लिए हम इंसर्ट, फिर शेप्स, और शेप्स में हम रेक्टेंगल चूज कर लेंगे। रेक्टेंगल चूज करके हम फर्स्ट सेक्शन में इसे ड्रॉ कर देंगे, ड्रॉ करके हम इसे थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद हम शेप फिल में एक कलर दे देंगे, तो मैं यहाँ पर इसे डार्क ब्लू दे रहा हूँ, आउटलाइन को नो आउटलाइन कर लेंगे। फिर इस शेप के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर हम अपनी कंपनी का नाम डाल देंगे, तो मैं यहाँ पर अनऑफिशियल कार्यालय डाल देता हूँ। उसके बाद एंटर करके हम यहाँ पर एड्रेस डाल सकते हैं, तो मैं यहाँ पर मुंबई लिख देता हूँ। फिर इस कंप्लीट डेटा को सिलेक्ट करेंगे, होम टैब पर आ जाएंगे, और यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है पैराग्राफ स्पेसिंग का, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ पे क्लिक कर देंगे। वापस क्लिक करके जो स्पेसिंग है उसे 1 पर सेट कर देंगे, इसे बोल्ड में कर लेंगे। कंपनी के नाम को सिलेक्ट करके इसका साइज थोड़ा इंक्रीज कर लेंगे, 14 कर दूंगा अभी के लिए मैं इसे। फिर डबल क्लिक करेंगे नीचे की ओर, यहाँ पर लिख लेंगे आईडी कार्ड, से सिलेक्ट करके हम सेंटर में ले लेंगे, बोल्ड करके इसकी साइज इंक्रीज कर देंगे, 14 रखते हैं अभी के लिए। उसके बाद नीचे की तरफ डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम फील्ड एंटर कर लेंगे जो भी हमारे एक्सेल डेटा में है। तो हमारे एक्सेल डेटा में पहले तो एक नेम है, फिर एम्प्लॉई आईडी है, उसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग है। तो मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख लेता हूँ। इसे हम और थोड़ा नीचे की तरफ मूव कर लेंगे, उसके बाद इसे सिलेक्ट करके हम बोल्ड कर लेंगे और साइज थोड़ा सा इंक्रीज करके 12 कर लेंगे। अब बारी आती है हमारे फोटोग्राफ को ऐड करने के लिए एक सेक्शन बनाना होगा। उसके लिए हम चले जाएंगे इंसर्ट टैब पर, यहाँ पर एक सिंगल सेल का टेबल सिलेक्ट कर लेंगे, साइज को थोड़ा हम फोटोग्राफ के फॉर्म में एडजस्ट कर लेंगे कुछ इस तरह से, टेक्स्ट को हम ऊपर की तरफ ले आएंगे। उसके बाद अगर आपको अपनी कंपनी का लोगो वगैरह कुछ ऐड करना है तो यहाँ पर इंसर्ट पर चले जाएंगे हम। इंसर्ट पर जाने के बाद पिक्चर पर क्लिक करेंगे, दिस डिवाइस से जाके हम लोगो को सिलेक्ट कर लेंगे, लोगो सिलेक्ट करके इंसर्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर रैप टेक्स्ट में जाके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देंगे इसे, इसकी साइज एडजस्ट कर लेंगे और इसे जहाँ हमें प्लेस करना है वहाँ प्लेस कर देंगे। तो मैं अभी के लिए इसे यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ। इसके बाद अगर आपको इसे फर्दर डिज़ाइन करना है तो वहाँ पर हम नीचे भी थोड़ा डिज़ाइन कर देते हैं। तो इसके लिए हम शेप पर आ जाएंगे, एक रेक्टेंगल ले लेंगे, रेक्टेंगल को हम यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे नीचे की तरफ, को शेप फिल में हम लाइट ब्लू कलर दे देंगे, आउटलाइन में नो आउटलाइन दे देंगे, रैप टेक्स्ट में जाकर इसे बिहाइंड टेक्स्ट कर देंगे, और एडिट शेप में जाकर हम एडिट पॉइंट्स पे सिलेक्ट करके थोड़ा सा इसे डिज़ाइन में कर लेंगे कन्वर्ट। तो अब हमारा डिज़ाइन का पार्ट कंप्लीट होता है। तो अब इसी सेम फॉर्मेट को हमें बाकी सारे सेक्शंस पे भी लाना है। तो उसके लिए हम मेलिंग टैब पर क्लिक करेंगे, स्टार्ट मेल मर्ज पर जाएंगे, यहाँ पर लेबल्स का ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट 1x2 लेटर सिलेक्टेड होगा, तो इसी पर हम इसे रहने देंगे। ओके प्रेस करेंगे और ओके कर देंगे, कंट्रोल जेड प्रेस करेंगे और अपडेट लेबल्स के ऊपर क्लिक करेंगे, और ये सेम फॉर्मेट सभी सेल्स में अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद बारी आती है हमारे डेटा को यहाँ पर लाने की मेल मर्ज के थ्रू। तो उसके लिए हम पहले
सिलेक्ट रेसिपिएंट पे क्लिक करेंगे, यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट पर क्लिक करेंगे, और जहां पर आपने अपनी एक्सेल शीट जिसमें डेटा है वो स्टोर किया हुआ है वहां पर चले जाएंगे, डेटा को सिलेक्ट करके ओपन प्रेस कर देंगे। यहाँ पर ऐसा एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा टेबल सिलेक्ट करने के लिए, तो यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इंसर्ट मर्ज फील्ड पे जाएंगे, तो नेम के आगे हम नेम को ले आएंगे, एम्प्लॉय आईडी के यहाँ पे हम एम्प्लॉय आईडी को ले आएंगे, और ज्वाइनिंग डेट के यहाँ पर हम ज्वाइनिंग डेट को ले आएंगे। अब हम इस सेम फॉर्मेट को बाकी सारे सेक्शन में भी अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए हम अपडेट लेबल्स पर वापस क्लिक कर देंगे और ये सेम दूसरे सेक्शन में भी लिंक हो जाएगा। अब बारी आती है फोटो ऐड करने के लिए, तो फोटो ऐड करने के लिए पहले तो हम यहाँ पर बॉर्डर हटा लेंगे अपने टेबल सेल से, तो उसके लिए हम टेबल को सिलेक्ट करेंगे, टेबल डिजाइन पर जाएंगे, बॉर्डर्स में चले जाएंगे, यहाँ पर नो बॉर्डर सिलेक्ट कर लेंगे। नो बॉर्डर सिलेक्ट करने के बाद अब टेबल के अंदर ही हमें फॉर्मूला टाइप करना होगा, तो उसके लिए पहले हम कंट्रोल प्लस F9 प्रेस करेंगे, कर्ली ब्रैकेट्स ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर हमें लिखना होगा इंक्लूड पिक्चर, इन्वर्टेड कॉमा ओपन कर लेंगे, दोबारा से मेल मर्ज में चले जाएंगे और यहाँ पर हम फील्ड सिलेक्ट कर लेंगे इमेज का। इमेज की फील्ड एंटर करने के बाद ये ऑटोमेटिकली ब्लैंक हो जाएगा यहाँ पर, और उसने एक्सेप्ट कर लिया है, तो यहाँ पर साइड में क्लिक करेंगे और सेम फॉर्मूला बाकी सारे सेक्शन में भी अप्लाई करने के लिए अपडेट लेबल्स के ऊपर क्लिक कर देंगे। और फाइनली हम फिनिश एंड मर्ज पर क्लिक करेंगे, एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करेंगे, ऑल पर रहने देंगे और ओके प्रेस कर देंगे, और सभी के नाम और एम्प्लॉय आईडी यहाँ पर पॉपुलेट हो जाएंगे और ज्वाइनिंग डेट के साथ में। अब फोटो लाने के लिए हम कंट्रोल ए प्रेस करेंगे और F9 प्रेस कर देंगे, उसके बाद फाइनली हमारे आईडी कार्ड्स कुछ इस तरह से बनके प्रेजेंट हो जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही और इंटरेस्टिंग एक्सेल और वर्ड की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल अनऑफिशियल कार्यालय को एक्सप्लोर करें। आपको ये वर्ड फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो इसे डाउनलोड करना मत भूलना प्रैक्टिस करने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।